हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और भाई, एसएल का प्रोस्पेक्टस आ चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एडमिशन तो बहुत पहले ही शुरू हो गए थे, तो एडमिशन के बाद मैं प्रोस्पेक्टस का ही वेट कर रहा था और फाइनली अब प्रोस्पेक्टस आ चुका है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हर साल एसएल में एडमिशन लेते हैं। लगभग 1 लाख के करीब बच्चा हर साल एसएल में एडमिशन लेता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पता नहीं होता कि क्या डिटेल्स हैं, क्या छुपी हुई बातें हैं जो उन्हें पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि उनका एडमिशन जो है वो सही ढंग से हो सके और उन्हें आगे कभी इशू ना आए। मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चों को जो एडमिशन ले लेते हैं, बाद में उन्हें अपने सब्जेक्ट्स का भी पता नहीं होता। तो इसके लिए स्पेशली हम लोगों ने एक प्रोस्पेक्टस सीरीज शुरू की है एसएल अपडेट ने, कि एसएल अपडेट जो है वो एसएल का सबसे ट्रस्टवर्दी चैनल है और हम लोग किसी भी तरह की फेक न्यूज़ फैलाने में विश्वास नहीं रखते। तो जो भी हमारे पास न्यूज़ मिलेगी वो ऑथेंटिक मिलेगी, 100% प्योर मिलेगी। तो भाई, जो बच्चे इस बार एडमिशन लेने वाले हैं एसएल के अंदर, उन बच्चों की फीस जो है वो पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है। जिन बच्चों ने अब तक अपने सीनियर से पता किया होगा, साइबर कैफे वालों से पता किया होगा, तो उनको फीस शायद कम बताई गई होगी, जिन साइबर कैफे वालों ने शायद अभी तक देखा नहीं या जिन सीनियर्स को पता नहीं है। बट फीस इस साल एसओएल की बढ़ा दी गई है। जैसे कि हर साल एसओएल की फीस जो है नॉर्मल एक जैसी रहती थी, लेकिन इस साल जो है महंगाई के हिसाब से फीस को भी बढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसओएल में कोर्स कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो कन्फ्यूजन रहती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि एसओएल में कोर्स कौन कौन से होते हैं। वो लोग इंतजार करते रहते हैं रेगुलर का, रेगुलर में जब एडमिशन नहीं होता तो उन्हें लगता है हम एसओएल में एडमिशन ले लेंगे अपने मन पसंदीदा कोर्स में। लेकिन एसओएल में सिर्फ 5 कोर्स होते हैं यूजी लेवल पर, दैट इज बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम। ये 5 कोर्स होते हैं। इसमें सबसे चहिता जो कोर्स है वो बीए प्रोग्राम है, और खासकर हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा बच्चे इसी कोर्स में हर साल एनरोल करते हैं। अब भाई, एडमिशन फॉर्म तो निकल चुका है। एडमिशन फॉर्म के साथ आपको एक चीज़ और देखनी है कि लास्ट डेट कब है। कई बार क्या होता है, बच्चे लास्ट डेट तक इंतज़ार करते रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लास्ट डेट तक बिल्कुल भी इंतज़ार ना करें। फिलहाल जो एसओएल ने लास्ट डेट दी है वो 30 नवंबर 2020 दी है। 100% ये डेट जो है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन हम लोग इस आगे बढ़ने का इंतज़ार ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता वक्त का कब एसओएल अपने एडमिशन्स को बंद कर दे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि एसओएल में आपको एडमिशन लेना है, आप कन्फर्म हैं, तो तुरंत एसओएल में एडमिशन ले लीजिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप खुद से एडमिशन फॉर्म भरें तो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप किसी साइबर कैफ़े वाले के पास जाएँ। क्योंकि जब आप खुद से फॉर्म भरेंगे तो आपको कई तरह की नॉलेज जो होगी वो इससे मिल जाएगी। बेशक आप पेमेंट करने के लिए साइबर कैफ़े वाले के पास जा सकते हैं, लेकिन फॉर्म को हो सके तो खुद ही भरिएगा। अब चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या थी भाई, कि फीस कितनी बढ़ी है, राइट? तो भाई, पहले जो फीस होती थी नॉर्मल कोर्स की, आप कोई भी कोर्स कर लीजिए एसएल से यूजी में, तो एक फीस होती थी 3500 रुपीज़ की, यानी 3500 रुपये। लेकिन इस साल जो एसओएल है उसने अपनी फीस को बढ़ा दिया है, वो फीस है 4040 रुपये। जी हाँ, मुझे नहीं पता है 40 रुपये किस बात की है, बट टोटल जो फीस है वो है 4040 रुपये आपके दोनों सेमेस्टर की। जी हाँ, एसओएल में अब से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया, पिछले साल से ही हो गया था। यानी आपके साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे, फर्स्ट ईयर में 2 बार, सेकंड ईयर में 2 बार, थर्ड ईयर में 2 बार, एक बार दिसंबर में, एक बार मई जून में, एक बार दिसंबर में, एक बार मई जून में, एक बार दिसंबर में, एक बार मई जून में, इस तरह से आपके पेपर हुआ करेंगे। और आपको जो फीस भरनी है पहले साल की वो है 4040 रुपये। इसके अलावा आपको और कोई फीस बाद में नहीं भरनी होगी, ना ही कोई एग्ज़ाम फीस भरनी होगी, ना ही कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। आपका एडमिशन 4040 रुपये में कंफर्म हो जाएगा, और उसके बाद आपको सीधे एग्ज़ाम देने जाना होगा। बीच में जो क्लासेस वगैरह लगेंगी उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज के थ्रू मिलती रहेगी। इसमें एक टेक्निकल बात है। टेक्निकल बात क्या है भाई, जो बच्चे PWD कैटेगरी से हैं, यानी जो बच्चे पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं, यानी जो दिव्यांगजन हैं, अगर उनके पास प्रूफ है कि वो PWD कैटेगरी से हैं, तो वो अपने प्रूफ को अगर अपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे तो उनकी फीस जो है वो मात्र 65 रुपये है, 65 रुपीज़ है पूरे साल की। यानी कि बहुत ही कम फीस में आपको जो गवर्नमेंट है वो एसओएल में एडमिशन दे रही है और आपको पूरा कोर्स करने की इजाज़त दे रही है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। हम अपनी प्रोस्पेक्टस सीरीज में और भी नई नई वीडियो लाते रहेंगे, जिसमें आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है एसओएल की देते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो दोस्तों को आपको नहीं पता कि फीस बढ़ चुकी है, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।